हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे दीदीमन। सैनिक स्कूल संबलपुर और सैनिक स्कूल तिलैया से वैकेंसी आई है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। फ्रेशर भी जो है यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। सैलरी यहां पर 20,000 से लेकर 50,000 तक आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए वैकेंसी देख लेते हैं। अभी जो है हर जगह से वैकेंसी जो है वो आएगी। सैनिक स्कूल से लगातार वैकेंसी हर स्टेट से आ रही है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं चैनल पर जो है रेगुलर रहें, क्योंकि आप लोगों के स्टेट से यदि वैकेंसी आती है तो छूट ना जाए, लास्ट डेट निकल ना जाए। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा, तभी आप लोगों तक वीडियो जो है समय पर पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर सैनिक स्कूल से लगातार आ ही रही है, केंद्रीय विद्यालय से भी अब लगातार वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको अर्जेंट जरूरत रहती है जॉब की और अच्छी सैलरी के साथ, तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है उनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सैनिक स्कूल संबलपुर से वैकेंसी है। यहाँ पर काउंसलर की वैकेंसी है और जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है, यानी कोई भी एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हैं। 21 से 35 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। 50,000 सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। काफी अच्छी जो है सैलरी के साथ सैनिक स्कूल में टीचर्स को रखा जाता है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है वैकेंसी अभी यहां पर है। जैसे ही रेगुलर बेस पर वैकेंसी आती है वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है कि एमए एमएससी आपने साइकोलॉजी में किया है या आपने बीएससी बीए भी किया है साइकोलॉजी में। साथ में यहाँ पर जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। नेक्स्ट जो है आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है और इसमें भी जो है सैलरी है 50,000। तो यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन है। अगर आपने ग्रेजुएट ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ या आर्ट या फाइन आर्ट के साथ किया है, 2 साल का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा है, या फिर आपने एमए जो है ड्राइंग या पेंटिंग में फाइन आर्ट में किया है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है और 4 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है पेंटिंग या फाइन आर्ट में, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जो कि फाइन आर्ट में जो है यहाँ ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पर 50,000 सैलरी के साथ जो है आप लोगों को लगाया जाएगा। 21 से 35 साल जो है यहाँ पर उम्र रहने वाली है। तो यदि आपके काम की है तो बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा, एप्लीकेशन कैसे करेंगे और वेबसाइट पर कैसे पहुंचना है। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की भी एक पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। कोई भी एप्लीकेशन यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। 36,000 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, यदि आप इसको फुलफिल करते हैं तो ही जो है यहाँ पर आप लोगों को लिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट जो है हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है हिंदी या इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज में। 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर पर मांगी गई है। शॉर्ट हैंड की जो नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों के पास। 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र वाले कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की 2 पोस्ट हैं और जिसमें से एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक एससी की है। 28,000 सैलरी मिलेगी। 18 से 50 साल उम्र है। 12th मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है ड्राइवर की 2 हैं और यहाँ पर 28,000 जो है सैलरी है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 साल का आपका मांगा गया है यहाँ, हैवी ड्यूटी या लाइट व्हीकल का। 18 से लेकर 50 साल उम्र रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड बॉय 3 है वैकेंसी, मैट्रिकुलेशन और 18 से 50 साल, ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं मांगा गया है। तो अप्लाई जो है वो कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल अपने जितने भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है उनके साथ में अटैच करना है। ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है जनरल ओबीसी और अदर कैंडिडेट को। बाकी ₹250 जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के डिमांड ड्राफ्ट के देने होंगे। एड्रेस आप लोगों का जो है स्कूल का ये रहेगा एड्रेस, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर पोस्ट ऑफिस बसंतपुर। यहाँ पिन कोड तक जो है वो कंप्लीट एड्रेस आपको लिख लेना है और 22 सितंबर 2023 से पहले आप लोगों को भेज देना है। उसके बाद जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो ये जो है वो मेन वेबसाइट है, इस पर आप लोगों को जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, आप लोगों का जो है डेमो होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट और उसके बाद जो है इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और ये जो है लास्ट डेट है। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है वो हम देख लेते हैं। सैनिक स्कूल
तिलैया से वैकेंसी है और ये कहाँ है, झारखंड में है। तो ये तो जो स्कूल का एड्रेस है, बूढ़ा सैनिक स्कूल तिलैया, पोस्ट ऑफिस तिलैया डैम, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, झारखंड, यहाँ से वैकेंसी है। और यहाँ पर आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, काउंसलर की है, बैंड मास्टर की है, बार्ड बॉय की, सभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है। बार्ड बॉय की जो है वो चार पोस्ट है, बाकी सभी की जो है एक एक पोस्ट है। आर्ट मास्टर में कहा है कि मास्टर डिग्री फाइन आर्ट के साथ होनी चाहिए। काउंसलर के लिए वही रहता है एमए एमएससी साइकोलॉजी से या बीए बीएससी आपने साइकोलॉजी से, साथ में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए गाइडेंस या काउंसलिंग का। बैंड मास्टर के लिए यहां पर जो है कहा है ये एसेंशियल में पोटेंशियल बैंड मास्टर या बैंड मेजर जो भी इनका रहता है। बार्ड बॉय के लिए जो है वो केवल यहां पर मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। यहां पर कहा है एज एज जो है वो अलग अलग है, यानी कि ए और बी जो सेक्शन है उसमें कहा है कि 21 से लेकर 35 साल, यानी कि आर्ट मास्टर और काउंसलर के लिए 35 साल। बाकी जो है सी और डी के लिए कहा है 18 से लेकर 50 साल उम्र होनी चाहिए बैंड मास्टर और बार्ड बॉय के लिए। यहाँ पर पेमेंट भी जो है वो अलग अलग है। ए और बी के लिए यहाँ पर कहा है कि 44,900 पर मंथ फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। सी के लिए कहा है कि 29,200 पर मंथ फिक्स्ड सैलरी है और डी के लिए कहा है 19,900 पर मंथ फिक्स्ड सैलरी है। ए और बी यानी 44,900 जो है वो आर्ट मास्टर और काउंसलर इनको दी जाएगी। बैंड मास्टर और बार्ड बॉय, तो बैंड मास्टर को यहाँ पर 29,200 पर मंथ है और यहाँ पर बार्ड बॉय को 19,900 पर मंथ है। 10th पास ही जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे बार्ड बॉय को, फिक्स्ड सैलरी यहाँ रहने वाली है। ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम सैनिक स्कूल तिलैया .org। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, दोनों का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पर जाकर और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके और भेज सकें। ये भी जो है ऑफलाइन मोड में ही आप लोगों को भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट लगेगा यहाँ पर भी, 400 रुपये का यहाँ पर लगेगा और SC ST के लिए जो है वो 250 रुपये का लगेगा। बाकी जो कैटेगरी है जनरल OBC उनका 400 लगेगा, ठीक है। 22 सितंबर 2023 तक जो है वो आप लोगों को भेजना है। जो सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से वैकेंसी आई और दूसरी जो वैकेंसी है जो कि तिलैया झारखंड से आई है वो 23 सितंबर 2023 है, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है और आपकी काम की है तो बिल्कुल आप इसको फिल करिएगा। रेगुलर पोस्ट आएगी तब आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।